आज ये वीडियो अपडेट है मुंगेर गंगा पुल अप्रोच पथ सड़क निर्माण पर। यह वीडियो में आप बांक से लेकर के तेलिया तलाब तक का पूरा अपडेट देखने वाले हैं। कितना काम शेष रह गया है और कितना काम होना बाकी है एवं कहां तक काम हुआ है यह भी आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे इस तरह के और भी लेटेस्ट न्यूज का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह हमने सफर अपना शुरू किया था मुंगेर के तेलिया तालाब से और यहाँ से बिल्कुल ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वीडियो 12 दिसंबर का ही है। यहाँ पर 4-लेन रोड बनाने का काम जारी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह इंजीनियर और अन्य कर्मचारी लगे हुए हैं। यहाँ पर कुछ जेसीबी एवं अन्य यंत्र के जरिए सड़क का निर्माण किया जा रहा है। ट्रक में मिट्टी लोड है और यहाँ पर चौड़ाई किया जा रहा है सड़क का, जिस कारण इस रोड पर जल्द यातायात शुरू हो सके। ये बिल्कुल तेज़ी से हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ गंगा पुल का भी निर्माण, जो सड़क मार्ग वाला होना था, वो भी कार्य का अपडेट हम जल्द ही लाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को आप देखिए, क्योंकि यह आप ही लोग ने हमें कमेंट बॉक्स में लिखा था कि जल्द ही अप्रोच पथ का वीडियो बनाएं और यह वीडियो आपके लिए पेश है। यह वीडियो पूरा अवश्य देख लें, जिससे आपको पूरी जानकारी ताज़ा अपडेट के माध्यम से मिल सके। ये देखिए सड़क के बगल में बोल्डर सब दिया हुआ है, जिससे सड़क की मजबूती और चौड़ाई, जिसके कारण सड़क आगे के दिनों में धंसे नहीं, इसकी पूरी ध्यान में बात रखी जा रही है। इसके हम आखिरी छोर तक जाएंगे और पूरा वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ भी हम चलेंगे और उसका भी जल्द वीडियो अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। यहाँ पर पानी का टैंकर भी लगा हुआ है और यहाँ पर सड़क पर पानी दिया जा रहा है, जो कि धूल और मिट्टी के साथ सड़क बढ़िया से बैठ सके। हालांकि इस अप्रोच पथ पर यातायात तो शुरू है, लेकिन अगर यह सड़क निर्माण हो जाता है तो ज़्यादा बेहतर सुविधाएं इस रूट होकर मिल पाएंगी और आम यात्रियों को भी कम समय में मुंगेर से भागलपुर जाना हो जाएगा संभव। इस पुल के बन जाने के बाद मुंगेर से खगड़िया, बेगूसराय एवं गंगा के उस पार जाना बिल्कुल कम समय में हो जाएगा मुमकिन। जितनी जल्दी यह पुल निर्माण होगी, उतनी जल्दी मुंगेर के साथ साथ गंगा के उस पार रहने वाले लोगों को यह बिल्कुल नई सुविधा मिल जाएगी। इस पर हमारा खास नज़र आगे भी रहेगा। यहाँ पर एक बड़ा सवाल यह आ रहा था सामने कि मंदिर को क्या तोड़ा जाएगा, तो यहाँ पर इंजीनियर और अन्य अधिकारी ने मंदिर को तोड़ने का फैसला नहीं लिया है, बल्कि इसके बगल से रोड को गुजारा जाएगा, क्योंकि कोई भी सड़क निर्माण या अन्य कार्य में मंदिर अगर सामने आ जाता है तो उसको तोड़ा नहीं जाता है। यहाँ पर डायवर्जन दिया गया है और हम वापस से पुराने सड़क पर आ गए। यहाँ से बगल से आप देख सकते हैं कि ट्रक जो आ रही थी, ये गंगा पुल लेन वहीं से टूट जाएगी।